Hello guys, I am Aditya from Tarkashastra and alumni of Sydney Institute of Management. I have scored 99.5% in MBA CET 2014. Now, as you are aware, MBA CET is nearing now. Cover exam 14th or 15th March. Correct. So, this video which we have prepared is basically what for the penultimate day for the exam. जैसे अगर किसी का एग्जाम 14th मार्च को होगा तो उसने 12 और 13 तारीख को क्या करना चाहिए, और किसी का एग्जाम 15th मार्च को होगा तो उसने 13 और 14th को क्या करना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड डू इज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज माय फाइनल स्ट्रेटजी रेडी. नाउ व्हाट इज दिस फाइनल स्ट्रेटजी आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस सेक्शन फ्लो विद टाइम लिमिट्स. कितने सेक्शंस होते हैं सीईटी में? अपने यूजुअल 4 सेक्शंस, QA plus DI, then LR, then abstract, and the last one is BA. ठीक है, so I should have a clear idea कि मुझे on an average कौन से section को कितना time लग रहा है and how much score am I getting. ठीक है, on an average. ठीक है, इसका मतलब average का मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी mock में 135 score किया और किसी mock में 90 किया तो उसका average ये आएगा. नहीं, in at least last previous 3-4 mocks consistently आपका score अगर 120 के ऊपर आ रहा है, then I can say कि मेरा average score 120 है. उसका आप breakup करो फिर QA में, QA plus DA में, out of 50 I must be scoring more than 30, in LR I must be scoring more than 40, in abstract I must be scoring more than 18, and in BA I must be scoring more than 30. So this comes out to be 120 plus, around 120 plus. ठीक है, so ये idea आपको individual person को होना चाहिए जिसका 135 plus आ रहा है, 140 plus आ रहा है consistently, at least in previous, out of previous 5 mock tests you have taken, आपको कम से कम 3 में इतना score आना चाहिए, then only you can say कि मेरा average score इतना आ रहा है. ठीक है, देन अभी तक आपने जितने भी मॉक दिए, किसी ने 15 दिए होंगे, किसी ने 10 दिया होगा, किसी ने 40 दिया होगा, देयर माइट बी फ्यू पीपल हु माइट हैव टेकन मोर देन 40 मॉक टेस्ट. ठीक है, सो आपने हर एक मॉक का एनालिसिस अगर किया रहेगा सीरियसली तो आपने उसका इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया रहेगा. करेक्ट, विच वी हैव बीन कंसिस्टेंटली टेलिंग यू सिंस आवर प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बनाया रहेगा, हर एक 40 मॉक का 40 एनालिसिस रहेगा, 5 मॉक भी अगर आपने दिए रहेगा उसका भी एनालिसिस रहेगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है द पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, एंड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू लीव. जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूए और मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस ये टॉपिक पे हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे, कितना टाइम मुझे लग रहा है एक मार्क कमाने को, आई मस्ट बी स्कोरिंग 1 मार्क पर मिनट, तभी मैं जाके 150 मिनट्स में 140 प्लस जा सकता हूँ, एंड आई कैन ड्रीम और आई कैन थिंक इवन थिंक अबाउट जीबी. करेक्ट, अगर मेरा नहीं आ रहा है सो कौन से टॉपिक से जो मुझे पीछे खींच रहे, विच आर ड्रैगिंग मी बिहाइंड, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबका ये नहीं रहेगा, किसी का टाइम स्पीड डिस्टेंस रहेगा, किसी का टाइम एंड वर्क रहेगा, किसी का पूरा डीआई का सेक्शन रहेगा. तो जैसे मैंने प्रीवियस सेशन वीडियो में बताया था कि डीआई का पूरा सेक्शन आपका वीक नहीं हो सकता, उसमें से एटलीस्ट मुझे 4 में से 2 सेट तो करनी है, तो आपको ये लिस्ट रेडी रखनी है सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मुझे अगर ये क्वेश्चन दिखा सो आई शुड नॉट स्पेंड मोर देन 5 सेकेंड्स टू फ्लुक द क्वेश्चन. करेक्ट, क्योंकि अभी तक अगर मैंने 40 मॉक में मेरा उसका एफिशिएंसी नहीं आया है तो अभी एक मॉक में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना यार. सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू स्पेंड इवन 30 सेकेंड्स. अगर आपको ऐसा लगा कि यार शायद वो क्वेश्चन ईजी आएगा ये टाइम पर, ऐसा अगर होना रहता तो 40 में से एक बार तो आया रहता. करेक्ट, सो लीव दैट क्वेश्चन. तो ऐसे आपकी कम से कम 5-7 टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन एट द फर्स्ट साइट छोड़ना है. ठीक है, चलो, दीज आर द थिंग्स. Now we'll discuss about the things which you should a day before the exam. The most important thing and which is very obvious ki hall ticket ka print nikal ke rakho. Taki agar aapka exam 14 ko rahe ya 15 ko rahe second slot mein bhi hoga to bhi I will personally recommend ki hall ticket ka print pehle din hi nikal ke rakho. Ho sake to aaj kal mein hi nikal ke rakho. Kyunki time pe kyun bhaga dod karne hai yaar. Theek hai? Then control your nervousness. Kyunki jinka this is specially for the people who have their exam on 15th, क्योंकि they will be aware about the analysis of both first slots. Correct? Both first day slots. Correct? So, कोई लोग बोलेंगे कि sectional में LR difficult था, कोई लोग बोलेंगे कि QA difficult था, कोई लोग बोलेंगे VA difficult था. So, you will be completely confused.
नहीं होना है, जो भी मेरा नर्वसनेस है वो मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल एनालिसिस है। अभी अगर मैं इंजीनियर बंदे को अगर एनालिसिस पूछूंगा, सो ही देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ही विल से कॉन्ट वाज नॉट डिफिकल्ट, नॉट दैट डिफिकल्ट एंड डीआई वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, करेक्ट। आई हैव टू लुक एट माई स्ट्रेंथ्स एंड आई हैव टू लुक एट माई वीकनेसेस। इसी के लिए मैंने पहले जो आपको बोला कि एक आपको लिस्ट बना के रखनी है, बाकी वो सेक्शन डिफिकल्ट है इजी है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट। देन विजुअलाइज द एग्जाम टेक। विजुअलाइज करना मतलब क्या करना है कि सपोज यू हैव योर एग्जाम ऑन, आई एम टेकिंग टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो यू हैव योर एग्जाम ऑन इन फर्स्ट स्लॉट एंड यू सपोज सम ऑफ यू माइट बी हैविंग योर एग्जाम इन सेकंड स्लॉट, ठीक है। सो फर्स्ट स्लॉट वाले का पेपर कितने बजे रहता है? 10:30 को स्टार्ट होगा। सेकंड स्लॉट वाले का कब स्टार्ट होगा? 2:30 को स्टार्ट होगा, करेक्ट। फॉर दैट दिस टाइमिंग फॉर दिस स्लॉट यू हैव टू रीच द सेंटर टिल 9:15 एंड फॉर दिस स्लॉट यू हैव टू रीच द सेंटर टिल 1:15। सो पूरा आपको विजुलाइज करना है अ डे बिफोर कि कल मेरा 9:15 को अगर मुझे वहाँ पे पहुँचना है तो आज मैं कितने बजे निकलूंगा, मतलब मुझे तो कल मैं कितने बजे निकलूंगा, मतलब मुझे कल कितने बजे उठना चाहिए, तो आज मैं उतने बजे उठूंगा। इफ आई हैव टू गेट अप एट 8 आई विल गेट अप एट 8, इफ आई हैव टू गेट अप एट 8 टुमारो आई विल गेट अप एट 8 टुडे मॉर्निंग एज वेल, करेक्ट। तो 9:15 तक के मैं जस्ट विजुअलाइज करूंगा, ठीक है। देन द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव, मतलब दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जाम ऑन 14th सेकेंड स्लॉट एंड एनी स्लॉट ऑन 15th, बिकॉज यू विल बी स्लाइटली अवेयर और कंप्लीटली अवेयर अबाउट द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट टू स्लॉट्स, फर्स्ट स्लॉट और फर्स्ट टू स्लॉट्स, करेक्ट। सो उसका असर आपके प्रिपरेशन पे या आपके पीस ऑफ माइंड पे नहीं पड़ना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्ट। यू हैव टू बी कंप्लीटली पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी कंप्लीटली पॉजिटिव एंड फोकस्ड। मुझे पता है मेरा वीकनेस क्या है, मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं उसमें खेलूंगा, बात खत्म, ठीक है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि जैसे गौतम गंभीर हो गया या सौरव गांगुली हो गया, दीज पीपल न्यू कि देयर वीकनेस इज बाउंसर्स, करेक्ट। दीज पीपल वर नेवर अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बाउंसर डिलीवरीज, करेक्ट। सो वो हर बाउंसर जैसे उन्होंने पहले 4-5 बार मॉक टेस्ट अगर कंसिडर कर लिया आपने, जैसे 5-4-5 मैचेस में अगर वो कंटिन्यूसली बाउंसर्स पे आउट हो गए तो उन्होंने नेक्स्ट इनिंग से बाउंसर को डक करना चालू कर दिया, दे डिडंट इवन अटेम्प्ट टू प्ले द शॉट, करेक्ट। तो ऐसा ये हो गया उनका वीकनेस, इसका मतलब ये है कि वो कवर ड्राइव कभी खेल ही नहीं पाए या फुल शॉट कभी खेल ही नहीं पाए, नहीं, करेक्ट। उनका कवर ड्राइव बहुत स्ट्रेंथ था, सौरव गांगुली वॉज द मास्टर्स ऑफ कवर्स, करेक्ट। सो ऐसा आपको करना है कि आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ्स, क्लियर। सो फॉर कंटिन्यूअस अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड यू कैन फॉर मोर डिटेल्स अबाउट अस you can check our website and give us a call on these numbers. If you have any doubt or any query, you can always connect with us on these numbers. Okay guys, and best of luck.